हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। सो राइट टू स्टडी जो प्लेटफॉर्म है, जो चैनल है, वो आपको टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कराता है, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कराता है, इसके अलावा जितने भी टेट्स हैं टेट के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराता है। सो आइए और इस वीडियो में हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा 100+ क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो स्टार्ट करेंगे 76th क्वेश्चन से और जाएंगे 108 या 109 क्वेश्चंस तक। तो आज हम इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चैनल पे जो बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं और उसे किस तरीके से समझ के हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और मैं ये भी बता दूं कि आज के जो वीडियो है, आज के जो क्वेश्चंस है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो लिटरेचर का है, जो कि समझ में भी नहीं आता है कई लोगों को, जैसे कि राइम है, ठीक है, और आपके फ्री वर्ड्स हैं, ब्लैंक वर्ड्स हैं, वो है, और आपकी राइमिंग स्कीम बता दिया मैंने, और मीटर्स है ना, जिसमें फीट्स वगैरह है, फीट है, तो ये सारी चीज़ों को आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड हमारे आज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इज अवॉर्डेड बाई, नोबल प्राइज कौन देता है हमें? तो नोबल प्राइज जो है किसके द्वारा लिटरेचर में मिलता है, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा स्वीडिश एकेडमी नॉर्वे। नॉर्वे जो है नोबल प्राइज जो फॉर लिटरेचर अवॉर्ड करता है, ठीक है। नाउ 77, द बुकर प्राइज फॉर द बेस्ट ओरिजिनल नॉवल इज अवॉर्डेड बाई, जो बुकर प्राइज मिलता है वो कौन देता है? तो बुकर प्राइज जो है वो देते हैं मैन ग्रुप, गिल्ड हॉल, लंदन, इंग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 78th क्वेश्चन, अ वर्स ऑफ टू लाइन्स लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट एंड इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं कि किसी एक वर्स में जो टू लाइन्स है, ठीक है, दो लाइन होती है और एक दूसरे से राइम करती है, अब वो कहाँ होती है? वो लास्ट में होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर गिवन है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कपलेट। यस, जिसमें कि इट्स टू लाइन्स ऑफ पोएट्री ऑफ इक्वल लेंथ वन आफ्टर द अदर, ठीक है। तो इन दोनों का इस तरीके से होता है और ये जो है वो शेक्सपियर की स्टाइल है लिखने की, शेक्सपियरियन सोनेट में ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें कपलेट होता है। कपलेट मतलब होता है टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो ये लाइंस लास्ट में दी होती है, जिसमें कि हमें पूरे स्टोरी, पूरे पोएट्री की, सॉरी, पूरे पोएट्री की एक तरह से सॉल्यूशन बताया जाता है या उसमें कंक्लूजन होता है, इस तरीके से लास्ट में दो लाइनें दी रहती हैं, वो जो कि शेक्सपियर ने स्टार्ट कराई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 79, एंड अलेक्जेंड्राइन इज लास्ट लाइन ऑफ द, जो अलेक्जेंड्रिन है वो जो, ये किसकी लास्ट लाइन होती है? तो ये लास्ट लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टैंजा की, ठीक है। और जो ये अलेक्जेंड्रिन जो है, ये फ्रेंच पोएट्रीज में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। कितने सिलेबल्स होते हैं? 12 सिलेबल्स होते हैं। जैसे कि आपने एक पोएम सुना होगा, द फेरी क्वीन, किसने लिखा है? यस, बताइए, द फेरी क्वीन जो है ये 1590 में लिखा गया था, किसने लिखा था वो आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस फेरी क्वीन में 8 लाइंस है, ठीक है, 8 लाइंस एम्बिक पेंटामीटर है, 8 लाइंस एम्बिक पेंटामीटर है, और इसके बाद एम्बिक पेंटामीटर के बाद यहाँ पे नीचे अलेक्जेंड्रिन आपको एक सिंगल लाइन अलेक्जेंड्रिन का मिलेगा। ये एक लाइन का सेंटेंस होता है जिसे हम अलेक्जेंड्रिन कहते हैं, जिसमें कितने सिलेबल होते हैं? 12 सिलेबल आपको मिलेंगे, ठीक है। 12 सिलेबल एम्बिक लाइन होता है विथ अ कैज्यूरा। कैज्यूरा आप जानते हैं, कैज्यूरा मतलब होता है पॉज, ठीक है, मतलब कि 12 सिलेबल है, उसमें से 6 सिलेबल चलेगा, उसके बाद थोड़ा पॉज होगा, उसके बाद फिर 6 सिलेबल्स होंगे, ठीक है। तो जो लास्ट के 12 सिलेबल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो अलेक्जेंड्रिन होता है, और अलेक्जेंड्रिन में भी 6 लाइंस, 6 सिलेबल्स के बाद एक पॉज होता है, देन अगेन 6 सिलेबल्स स्टार्ट होते हैं,
ठीक है, सो आई होप समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चन है, मैं और भी एक्सप्लेन करूँगी और बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस अभी हमें यह याद रखना है कि जो अलेक्जेंड्रिन होता है वो किसी भी पोएम में लास्ट में आता है, ठीक है। और जो लास्ट में आता है तो वो क्या करते हैं, वो कितने सिलेबल्स के होते हैं, वो 12 सिलेबल्स के होते हैं, और हर 6 सिलेबल्स के बाद वहाँ क्या है, एक कैज्यूरा होता है, ठीक है, मतलब एक पॉज होता है, CAESURA होगा, है ना, पॉज होता है, देन अगेन 6 सिलेबल्स होता है। सिलेबल्स समझ रहे हैं ना, साउंड, ओके ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द टेरजा रीमा इज अ स्टैंजा ऑफ, तो जो टेरजा रीमा है ये स्टैंजा कितने लाइंस की होती हैं, तो ये है 3 लाइंस की। जो टेरजा रीमा है ये कितने लाइंस की होती है, 3 लाइंस की होती है। उसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, तो इसकी राइम स्कीम मैं बता देती हूँ। इसकी राइम स्कीम होती है ABA, ये देखिए 3 लाइंस हो गई, 1, 2, 3 लाइंस, ठीक है। उसके बाद फिर BCB 3 लाइंस, देन CDC क्या होती है, CDC ये 3 लाइंस, ठीक है। अब देखो ये जो फर्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन को राइम करती हुई होती है, ठीक है, देखिए ठीक इस तरीके से ये टेरजा रीमा हमारा होता है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्पेंसेरियन स्टैंजा हैज, जो स्पेंसेरियन स्टैंजा होता है वो कितने लाइंस की होती है, तो वो हमारी होती है 9 लाइंस की। यस, ये हमारी होती है 9 लाइंस की। और उसकी राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो मैं बता दूँ, ABAB BCBC और C। अभी लास्ट में सी क्या है, स्पेंसेरियन स्टैंजा में भी हमने ऊपर देखा था कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसमें लास्ट में एक अलेक्जेंड्रीन होता है ना, ये क्या हो गया, ये हमारा 4 लाइंस की क्या हो गई, एक तरह से 8 आयम्बिक पेंटामीटर है, क्या है, 8 आयम्बिक पेंटामीटर है, क्लियर, एक आयम्बिक पेंटामीटर हो गया, और लास्ट वाला ये हमारा हो गया अलेक्जेंड्रीन। अलेक्जेंड्रीन क्या होता है, ये 12 सिलेबल्स के होते हैं, और हर 6 सिलेबल्स के बाद क्या है, कैज्यूरा आता है, पॉज आता है, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 82 एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स, अब देखो मैंने 8 आयम्बिक पेंटामीटर बताया, तो ये पूछ रहा है कि जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें कितनी लाइंस होती हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी लाइंस होती हैं, 5 फीट की होती है। देखिए ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है कि फीट क्या है, पेंटामीटर क्या है, सिलेबल्स क्या है, ये लाइंस कहाँ है, लाइंस में फुट फीट कहाँ से आ जाते हैं, है ना। इसको देखने के लिए मैं आपके के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि हम प्रॉपरली समझेंगे कि मीटर्स कैसे होते हैं, उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, सिलेबल्स कैसे गिने जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे हम उसे समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट है हमारे साथ, तो जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको समझाते हुए चल रही हूँ। सो एन आयम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स 5 फीट, कितने लाइन कितने फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं। देखिए जो फीट होता है वो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 5 फीट देखिए कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, आई हैव वॉकड आउट इन रेन एंड बैक इन रेन, ठीक है, जैसे ये लाइन है। आप इसमें क्या है, आप स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड देखेंगे, जिसको हम बहुत आराम से धीरे से बोलेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा। स्ट्रेस्ड का सिंबल ये होता है, यहाँ देखिए आपका एक अनस्ट्रेस्ड एक स्ट्रेस्ड, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, 1 फीट ये हो गई। सेकेंड में देखिए वॉकड आउट, तो यहाँ पे हमारा ये अनस्ट्रेस्ड है, बहुत ईजिली बोलते आउट को, हम बहुत थोड़ा लाउडली बोल रहे हैं, तो ये अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा आउट। फिर अगेन इन और रेन में भी ऐसे ही है, ये अनस्ट्रेस्ड होता है, ये स्ट्रेस्ड होता है, ये अनस्ट्रेस्ड होगा, ये स्ट्रेस्ड होगा, ये अनस्ट्रेस्ड और ये स्ट्रेस्ड होगा, सॉरी मैं आई बना दे रही हूँ, ये इस तरीके से होता है ऐसे, ठीक है। सो ये कितने हो गए, आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये कितने फीट का हो गया, 5 फीट का हो गया, और हर एक फीट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये 5 फीट होता है, एक लाइन में ये 5 फीट होता है, मतलब अब ये क्या हो गया, ये आयम्बिक पेंटामीटर है, क्लियर। सो इस तरीके से हम इसे काउंट करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयम्बिक पेंटामीटर इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. देखते हैं आयम्बिक पेंटामीटर इनमें से क्या है. फाइव सेलेबल्स इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड. ओके फाइव सेलेबल्स इन द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड. फाइव सेलेबल्स इन द पैटर्न स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड. द पैटर्न स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड रिपीटेड फाइव टाइम्स. द पैटर्न अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड रिपीटेड फाइव टाइम्स. तो देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाया कि एक पैटर्न है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का जो कि कितने टाइम्स रिपीट होता है. फाइव टाइम्स है ना, हमने अभी देखा नहीं कितने टाइम्स रिपीट होता है. फाइव टाइम्स रिपीट होता है. सो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है. नेक्स्ट देखते हैं 84. Let us go then, you and I. When the evening is spread out against the sky, the light, like a patient authorized upon a table, the above lines have been written in. तो ये जो लाइंस हैं, जो ऊपर लाइंस गिवन है, ये किस किस में लिखी हुई है. तो ये जो लिखा हुआ है ये हमारा फ्री वर्स में लिखा है. देखिए यहाँ कोई राइम नहीं बन रहा है ना. फ्री वर्स क्या होते हैं, फ्री वर्स में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं बनती है. इट डज नॉट हैव एनी राइम, कोई राइम नहीं होती है. तो यहाँ देखो राइम नहीं है. हम राइम यहाँ से चेक करते हैं ना. यू एंड आई अगेंस्ट द स्काई अपॉन द टेबल. ठीक है, तो यहाँ कोई राइमिंग स्कीम नहीं आ रही है. क्लियर, तो ये फ्री वर्स है. क्लियर, ओके. नेक्स्ट है सी, सी आंसर है हमारा. 85th क्वेश्चन देखते हैं. एन अलेक्जेंड्राइन, सॉरी अलेक्जेंड्रीन इज अ वर्स. अलेक्जेंड्रीन इज अ वर्स लाइन इन. तो जो अलेक्जेंड्रीन होता है वो कितने कौन सी लाइन है. ठीक है, अलेक्जेंड्रीन जो होता है वो कौन सी लाइन है, उसमें कितनी मतलब कि कौन सा ये मीटर है. देखिए तो इसमें आता है आपका आयम्बिक हेक्सामीटर. अभी मैंने आपको समझाया हेक्सा किस लिए. यहाँ पे हेक्सा का मतलब क्या होता है, सिक्स से मतलब होता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिक्स चलेगा, सिक्स सेलेबल्स इधर होंगे, है ना, बताया था सिक्स सेलेबल्स यहाँ बीच में कैसियूरा और फिर सिक्स सेलेबल्स. तो ये क्या होता है, इसे कहेंगे हम आयम्बिक हेक्सामीटर. क्या होता है, आयम्बिक हेक्सामीटर. क्लियर, जिसमें सिक्स फीट होगा, 12 सेलेबल्स है और उसमें क्या होंगे, सिक्स फीट होंगे. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, ये हमारा आयम्बिक हेक्सामीटर कहलाता है. ठीक है, सिक्स सिक्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन चलता है सेलेबल्स का. नाउ नेक्स्ट इज एन एम्बस कंसिस्ट ऑफ, जो एम्बस है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा ये 86 में. ओके ना, ओके. वन अनएक्सेंटेड सेलेबल फॉलोड बाय एन एक्सेंटेड वन, ये क्वेश्चन क्या था, एम्बस था. ओके, एम्बस क्या होता है, ये एक मेट्रिकल फूट होता है. ठीक है, एक मीटर होता है, एक मेट्रिकल फूट होता है. और इसमें क्या होता है, मेट्रिकल फूट होता है एंड इट कंसिस्ट वन शॉर्ट. शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट सेलेबल, जिसे कि हम कहते हैं अनएक्सेंटेड या फिर अनस्ट्रेस्ड. क्या कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड. अभी मैंने कुछ बताया था आपको अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड होता है. तो अनस्ट्रेस्ड को अनएक्सेंटेड भी कहा जाता है. और यहाँ अगर एक्सेंटेड देखें तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेस्ड. अब समझिए, अब मीनिंग जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगी. क्या है, वन अनस्ट्रेस्ड सेलेबल फॉलोड बाई एन स्ट्रेस्ड वन. ठीक है ना, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, फिर सॉरी स्ट्रेस्ड हो जाएगा, फिर एक अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड हो जाएगा. इस तरीके से हमारा ये चलता है. ठीक है, उसे एम्बस कहते हैं. एक छोटा जो वो है सेलेबल है, शॉर्ट सेलेबल के बाद एक लॉन्ग सेलेबल है ना, जो स्ट्रेस्ड होगा. इस तरीके से एम्बस इसे कहते हैं. ओके नाउ, तभी आयम्बिक पेंटामीटर होता है. तो आयम्बिक पेंटामीटर क्यों, क्योंकि आयम्ब चलता है यहाँ पे. एक अनएक्सेंटेड होता है, एक एक्सेंटेड होता है, फिर अनएक्सेंटेड होता है, फिर एक्सेंटेड होता है. क्लियर, सो आंसर इज ए. ब्लैंक वर्स इज अ 87th क्वेश्चन. ब्लैंक वर्स इज, ब्लैंक वर्स क्या होता है. सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, बच्चों ने मुझे आंसर भी दिए थे, कमेंट भी किए थे कि ब्लैंक वर्स होता है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर. ठीक है,
इसमें कोई राइमिंग नहीं होती है एंड इट्स अ लिटरेरी टर्म दैट रिफर्स टू पोएट्री रिटन इन अनराइम्ड बट मीटर्ड लाइन. क्या होती है इसमें? अनराइम्ड तो होता है, अनराइम्ड होता है, लेकिन इसमें मीटर्स होते हैं, ठीक है, मीटर होते हैं और मोस्टली इसमें आयम्बिक पेंटामीटर होता है. क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर. तो ध्यान रखिएगा, ब्लैंक वर्स में है तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है, बट ये राइमिंग इस नहीं होती है इसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री वर्स इज पोएट्री. फ्री वर्स क्या होते हैं? ये भी डिस्कस हमने कर लिया है ऑलरेडी. इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं होता है, ठीक है, या फिर एक रेगुलर सी राइम होती है, ठीक है. सो कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई भी राइमिंग स्कीम आप कह दो नहीं होती, कह सकते हैं, राइट. बियोल्फ, बियोल्फ मैंने एकदम सबसे पहले मेरे पार्ट में मैंने बताया था क्या है. तो जो बियोल्फ है ये फर्स्ट वर्क इन इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, पहला वर्क माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये एक एपिक पोएम है. क्या है? ये एक एपिक पोएम है. और आंसर यहाँ पे क्या है हमारा? फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, ये भी कह सकते हैं, या फिर हम अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो पूरे इंग्लिश लिटरेचर में भाई ये पहला वर्क था जो फेमस हुआ था, जो एक एपिक पोएम थी, तो बियोल्फ आपको याद रखना है. 90th क्वेश्चन देखते हैं. आई हैड फाउंड माई रिलीजन, नथिंग सीम्ड मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन अ बुक. आई सॉ द लाइब्रेरी एज अ टेम्पल. हु सेड दिस? किसने कहा है ये? तो ये कहा है जीन पॉल सार्त्रे ने. तो ये क्या है? एक फ्रेंच प्ले राइट है, ठीक है, एक नॉवलिस्ट है आपके, ये तो एक स्क्रीन राइटर है, लिटरेरी क्रिटिक है, ठीक है, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है. और इसका आंसर हमारा जीन पॉल सार्त्रे है. नेक्स्ट है, ओह दिस लव, दिस लव दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. हु सेड दिस? किसने कहा है ये? तो ये कहा है लुइस कैरोल ने. अब ये लुइस कैरोल कौन है? तो लुइस कैरोल जो है ये पेन नेम है किसी का. तो ये पेन नेम किसका है? ये पेन नेम है चार्ल्स लुडविग डॉक्सन, ठीक है, ये पीजीटी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान दे लें, ठीक है. ये इनका पेन नेम है लुइस कैरोल का. तो ये कौन थे? लुइस कैरोल भी एक बहुत बड़े राइटर थे, इंग्लिश ऑथर, पोएट, मैथमेटिशियन ये थे. और हाँ, आपने सुना होगा एक इनका, मुझे ध्यान आ रहा है इनका एक नॉवल जो है कि एलिस इन वंडरलैंड. बच्चे भी इसे पढ़े हैं और बच्चों की बुक्स में भी है और बहुत फेमस हुआ था ये. इसमें पूरा एक सीरीज है स्टोरी की, ठीक है, और ये एक रशियन राइटर है, राइट. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे. हु सेड दिस? किसने कहा है? तो ये कहा है लियो टॉलस्टॉय ने, ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट है, नहीं, रशियन पोएट हमारे लियो टॉलस्टॉय हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा. ये रशियन पोएट हमारे लियो टॉलस्टॉय हैं, इनके बारे में पढ़ा था मैंने, इनका नाम भी कुछ और बड़ा सा है, सर्च करिएगा ज़रा गूगल पे. और ये हमारे लुइस कैरोल रशियन पोएट नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. हु सेड दिस? ये किसने कहा ऐसी चीज़? तो ये कहा है हमारे इसमें 93 में, क्या है, 93 का आंसर हमारा होगा जॉर्ज ऑरवेल. अच्छा, इनका एक एनिमल से ही रिलेटेड कुछ एक वो है, एक नॉवेल है एनिमल फार्म, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये है एनिमल फार्म, है ना. तो ये इनका फेमस एक नॉवेल है, टाइम मिलेगा तो ज़रूर पढ़ना, इसको पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए. तो इसका आंसर क्या हो गया? जॉर्ज ऑरवेल. क्लियर है? अच्छा, जो जॉर्ज ऑरवेल है ये भी एक पेन नेम है. किसका पेन नेम है? ये पेन नेम है एरिक आर्थर, एक मिनट, आर्थर ब्लेयर, एक मिनट, इसमें नाम यहाँ नहीं आ रहा है, मैं उसी जगह लिख दे रही हूँ. आप लिख सकते हैं इसका जो नेम है वो क्या है हमारा, वेट अ मिनट, एरिक आर्थर
प्लेयर, क्लियर। ये इनका पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नेम, पेन नेम ऑफ एरिक आर्थर प्लेयर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, हु सेड दिस। तो ये किसने कहा है, ये कहा है हमारे लॉर्ड बायरन ने, ठीक है। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे, एक सटायरिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 95, आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो, हु सेड दिस, किसने कहा है। ये कहा एस टी कॉलरिज, कॉलरिज के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। 96, इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इट वुड बी नेसेसरी टू इन्वेंट हिम, हु सेड दिस, अच्छी बात कही, किसने कहा है, वॉल्टेयर ने कहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 97, एन एलेग्री इज अ सीरीज ऑफ मेटाफोर्स और सिंबल्स कंटिन्यूड थ्रू आउट एन एंटायर स्टोरी सो एज टू रिप्रेजेंट और डिस्क्राइब वन सीरीज ऑफ फैक्ट्स बाय अनदर सीरीज दैट इज एनालॉग्स टू इट इन इट्स मेन फीचर्स। सो ये एलेग्री की एक तरह से डेफिनेशन है, ठीक है। एलेग्री क्या होती है ये बताया गया है, ठीक है। तो ये फॉलोइंग दिस विच ऑफ द बुक मेंशन बिलो इज एन एलेग्री, तो इनमें से किस बुक में कहा गया है कि एलेग्री ये होती, ये डेफिनेशन एलेग्री की दी हुई है, तो वो क्या है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, ठीक है। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है ये एक नॉवेल है जो कि किसने लिखा है, जॉन बनियन ने लिखा है, बनियन, ठीक है। ये एक एलेग्री है, बहुत ही फेमस एलेग्री है। इसके अलावा जो मैंने भी ऊपर एग्जांपल आपको दिया था जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, वो भी एक एलेग्री है। तो फेरी क्वीन है एडमंड स्पेंसर का, वो भी एक एलेग्री है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक मेटाफर होता है, एक सीरीज ऑफ मेटाफर्स होते हैं जो किसी को सिम्बोलाइज किया जाता है, ठीक है। और एक तरह से हम एक तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सोसाइटी में इसे करते हैं, ठीक है। और एलेग्री आपकी जो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। ओके, 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल एलर्जी, पेस्टोरल एलर्जी आपको पता होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी पेस्टोरल एलर्जी नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, मिल्टन्स लिसिडस ये क्या है, एक पेस्टोरल एलर्जी है। शैलिस एडोनेस ये भी है, और थायरिसिस ये भी है, ठीक है। तो ये तीनों हमारी एलर्जी है, एक दुख में लिखी हुई पोम है, ठीक है। और जो कि किसी के मर जाने पे, किसी के खो जाने पे लिखी जाती है, ठीक है। सो इसके अलावा बचता है पोप्स द रेप ऑफ द लॉ, तो ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम है, जिसे हम मॉक एपिक पोएम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, मॉक एपिक पोएम है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 पे आ गए हम, 99th क्वेश्चन एक कर लेते हैं। द अ पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म एंड अ लॉफ्टी स्टाइल इज कॉल्ड, तो ये क्या होता है, किसी एक लीडर के बारे में पूरी स्टोरी नैरेट की जाती है, ठीक है। द पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन अ नैरेटिव फॉर्म, नैरेटिव फॉर्म में किसी के बारे में स्टोरी लिखी जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, एपिक कहा जाता है, एन एपिक। देखिए PGT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द नेम ऑफ द रोमन एम्परर हु कॉन्क्वर्ड इंग्लैंड इन 43 AD, सो ये है क्लॉडियस, ठीक है। क्लॉडियस ने क्या किया था 43 AD में रोमन एम्परर को जीत लिया था। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द प्रेस्टिजियस पुलित्जर प्राइज इन द USA वॉज, तो ये कौन है, इसका आंसर हमें मिलेगा ये झुंपा लहरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 101 तक हो गया हमारा, बाकी फटाफट कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। व्हाट इज कॉमेडिया डेल आर्ट, तो क्या होता है कॉमेडिया डेल आर्ट, इट्स अ फॉर्म ऑफ कॉमिक ड्रामा डेवलप्ड अबाउट द मिड ऑफ 16th सेंचुरी बाय गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स, ठीक है। इटालियन एक्टर्स के जो उसे करते हैं परफॉर्म, एक कॉमिक ड्रामा है, ठीक है, जो 16th सेंचुरी में परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट है, इन 1576 जेम्स बर्बेज फादर ऑफ द एक्टर रिचर्ड बर्बेज obtains lease and permission to build the first theater in
शोरडिच लंदन, इट्स नेम वॉज, कौन सा था? द थिएटर। ये पीजीटी के क्वेश्चंस हैं सारे। ड्यूरिंग 1613 जून 29 विच थिएटर कॉट फायर, ये क्या है कि कौन से थिएटर में 1613 में आग लगी थी? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक बार और डिस्कस किया है, तो वो है द अ ग्लोब थिएटर, ठीक है, जो कि शेक्सपियर से शेक्सपियर ने बनवाया था, ठीक है, उनका था। 1642 सितंबर 2 पार्लियामेंट इशूड एन ऑर्डिनेंस सप्रेसिंग ऑल स्टेज प्लेज इन लंदन एंड थिएटर्स वर क्लोज, ठीक है, तो ये क्या हो गया था, लंदन में थिएटर क्लोज कर दिए गए थे 1642 सितंबर 2 में, ठीक है, पार्लियामेंट ने एक जारी किया था तो उन्होंने बंद करवा दिया था लंदन में। नाउ 106 इन विच ईयर द रीस्टोरेशन एंड द डिमाइस इन द पावर ऑफ प्यूरिटन्स सीज द ओपनिंग ऑफ द थिएटर्स अगेन, सो थिएटर जो है वापस 1660 में ओपन हुआ, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर द डेली कोरेंट इन लंदन टुक प्लेस इन, तो ये आंसर है 1702। नेक्स्ट ईयर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2015 वॉज अवॉर्डेड टू, किसे अवार्ड दिया गया था किस चीज़ के लिए? फॉर हर पॉलीफोनिक राइटिंग अ मॉन्यूमेंट टू सफरिंग एंड करेज इन आर टाइम, सो ये है स्वेटलाना अलेक्सीविच, है ना, ओके। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन हम आगे हैं, विच ऑफ दीज वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2014, सो किसे मिला है नोबेल प्राइज 2014 में, तो वो है हमारे पैट्रिक मोडियानो, ठीक है। सो ये लर्न कर लीजिए, प्राइज वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पुलित्जर प्राइज और नोबेल प्राइज, ये सब वगैरह, ये प्राइज वगैरह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्द ही क्वेश्चंस लेके आऊँ लिटरेचर के, जो हमारे फेमस राइटर्स हैं, जो हमारे पीजीटी के सिलेबस में राइटर्स दिए हुए हैं उनके, ठीक है, और इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो अभी लाइक करें, और अगर कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।